नमस्ते दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप सॉरी अगर आप क्या बोलते हैं, हाँ ये ओबीसी एससी एसटी एंड कोई अदर कास्ट के लिए जाति आवासीय सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या आए, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, बिहार सरकार के अंदर, बिहार सरकार या भारत सरकार? भारत सरकार अलग है, बिहार सरकार अलग है। तो अगर आप विदेशों में या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी या जॉब करते हैं, या आप उससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आपको क्रीमी लेयर टाइप की सर्टिफिकेट जमा करना हो ओबीसी के लिए। बट एससी एसटी जो वो भी है, तो उनको भी भारत सरकार की सर्टिफिकेट चाहिए। बट अगर आप ये बिहार सरकार के अंदर जॉब करते हैं या वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आरक्षण चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओबीसी जो कि बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट आता है ब्लॉक में, और ब्लॉक से आपको वहाँ पे जाना होता है, तो वहाँ पे से मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बताऊँगा बिहार सरकार के अंदर जाति आवासीय आय सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे लिखेंगे कास्ट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लिखे, हायर सर्टिफिकेट लिखे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कोई भी आपको जो चाहिए वो लिखिए। फिलहाल मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे बताता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट लिखिए, बिहार कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑनलाइन देखिए, मैंने तो ये कुछ लिखा, अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जाति सर्टिफिकेट बिहार सरकार, कुछ भी आप पे जाने, उससे थोड़ी थोड़ी बहुत मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, गूगल हो या इंटरनेट की कोई भी दुनिया हो, थोड़ा सा आप गलत भी लिख देंगे ना, तो वो उठा लेता है, उसी पे सर्च में आता है। थोड़ा सा आपको इसके लिए, फिलहाल मैं इंटर पे क्लिक किया और ये सर्च हो रहा है। देखिए, इस पे वेबसाइट मिला, एक ये मिल रहा ऊपर वाले, एक ये वाला मिल रहा। ठीक है, फिलहाल हम दोनों खोल लेते हैं एक बार। फिलहाल ये खोल गया। ठीक है, दोनों सेम है, और एक तो वो खुला, दूसरा हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, एक तो ये खुला, दूसरा ये खुल गया। तो ये डायरेक्ट खुल गया, जो मैंने बोला ऑनलाइन अप्लाई दिखा था ना, ये इसलिए ये खोला। लेकिन अगर आपको ये खुलता है, तब क्या करेंगे? देखिए, ये वाले वेबसाइट खोलना चाहिए आपको, पीले कलर की जो वेबसाइट है, बिहार सरकार लोक सेवा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको इतना याद नहीं होता है, तो आप ये वाला अंक को याद रख लीजिए। ठीक है, 210.212.23.51, ठीक है, ऑब्लिक RTPS ऑब्लिक, इतना आपको याद रखना होगा, या लिख कर रख लीजिएगा, डायरेक्ट इसमें आइएगा, सर्च कर दीजिएगा, ये पेज खुल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, इसको कैसे अप्लाई करें, इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा। ठीक है, ज़्यादा उधर उतरे हुए टाइम नहीं दे सकते, इस पर क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन में है महत्वपूर्ण सूचना, यही बात है। देखिए, नहीं इसके इसके बाद ये वाला मिलेगा। ठीक है, इस सूचना को आप पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़िए यहाँ से।
यहाँ से देखिए ये वाला पेज ये है, ठीक है, ये मुझे पहले मिल गया तो अभी ये मिला, फिलहाल मैं इस पे चलता हूँ। आप कहाँ से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ब्लॉक से, आप अपने ब्लॉक से या नई दिल्ली से? तो फिलहाल मैं ब्लॉक देता हूँ क्योंकि बिहार सरकार के लिए ब्लॉक किससे काम कर जाता है। जैसे मैं क्लिक करूँगा उस पर ब्लॉक पे, उस जो इस ब्लॉक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा अपने आप ही पेज खोल जाएगा इस टाइप। तो देखिए अब इसमें आपको सर्च कर अपने नाम डालना होगा, जैसे कि नाम आपका रमेश रमेश, अब जो भी डालिएगा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े लेटर में, ठीक है, रमेश, मैं फिर छोटा में डाल, और इसको फिर स्पेस दीजिएगा, ठीक है, स्पेस दे दिया मैंने, जो भी कुमार कुमार डाल दिया, फिर हिंदी में, अब हिंदी में जैसे आपको रमेश सीधे इसे इस टाइप करना है, बस यहाँ पे स्पेस का बटन, जैसे कंप्यूटर से आप अप्लाई कर रहे थे तो स्पेस का बटन जैसे दबाएंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा, देखिए रमेश KUMA, फिर स्पेस का बटन यहाँ से दबाइए चेंज हो जाएगा अपने कुमार, तो रमेश कुमार अपने आप इसी चेंज हो जाएगा। तो वैसे करके उसके बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, इसमें सब दिया हुआ है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, फिर डुप्लीकेट आय प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आवासीय प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप डुप्लीकेट भी बनवाना चाहते हैं, यानी एक बार बन चुका है दूसरा बार आप निकलवाना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा, नहीं तो न्यू बनवाना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको, मुझे ओरिजिनल बनवानी है, ओरिजिनल पर मैं चलता हूँ, तो आय सर्टिफिकेट में मान लीजिए मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर बोला 3 अंक का वेरिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो इसमें सॉरी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अपना डालिए सही 10 अंक का, और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास आई वेरीफाइड जैसे क्लिक करेंगे तो अपने आप एक पास हो जाएगा, मोबाइल पर चले जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंटर वेरीफिकेशन कोड, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, फिर आया आया नहीं नहीं आ रहा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट जैसे करेंगे फिर जो भी एक पेज खुलेगा उस पेज में आपको अपना नाम जो जो इंग्लिश हिंदी जो भी पूछेगा सब भरिएगा, हिंदी में जहाँ पूछेगा नाम वैसा ही लिखिएगा सेम, बट उसके बाद जैसे स्पेस जैसे दबाएंगे ना तो अपने आप हिंदी हो जाएगा, बट बल्कि आपका नेट तेज होना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, उसके बाद ये साइट का भी अच्छा काम करता है। तो इस टाइप से आप कोई भी सर्टिफिकेट, जाति आवासी या आय या डुप्लीकेट भी बनवाना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि न्यू अपडेट मिलते रहें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, और फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, तो भी उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं 100% बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।